गहरा है जयंत सिन्हा के चुनावी राजनीति से अलग हटने का राज। 10 वर्ष के छोटे से राजनीतिक करियर में अक्सर विवादों में घिरते रहे जयंत। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। हजारीबाग के वर्तमान सांसद और भाजपा के सबसे शिक्षित नेताओं में से एक जयंत सिन्हा ने चुनावी राजनीति से अलग हटने की पेशकश की है। लगातार 2 बार हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से जीत चुके जयंत सिन्हा ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इतने छोटे से करियर में कई मुकाम भी हासिल किए और कई विवादों में घिरे। अपने पिता और दिग्गज राजनीतिज्ञ यशवंत सिन्हा से अलग हटकर उन्होंने अपने किस्म की राजनीति की, लेकिन उन पर खास होने का ठप्पा हमेशा लगा रहा। यशवंत सिन्हा की राजनीतिक विरासत पर जयंत सिन्हा पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, चुनाव जीते और केंद्र में मंत्री भी बने। इतना ही नहीं, वित्त राज्य मंत्री के बाद वह नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी रहे। कम समय में इतनी ऊंचाइयां हासिल कर लेना सामान्य राजनीतिज्ञ के बूते की बात नहीं है, लेकिन जयंत सिन्हा ने वह सब हासिल किया। हालांकि यह अलग बात है कि उन पर हजारीबाग के आम लोगों से कटे रहने का आरोप हमेशा लगाया जाता रहा। इतना ही नहीं, कोरोना काल में लोगों से दूरी बनाने का आरोप झेलने के बाद जयंत सिन्हा की हैट्रिक पर बहुत से लोगों को संदेह हो रहा था। यशवंत सिन्हा की लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी से भी यह लगने लगा था कि आज नहीं तो कल जयंत सिन्हा पर असर पड़ेगा ही। यशवंत सिन्हा के टीएमसी ज्वाइन करने और राष्ट्रपति के चुनाव में यूपीए का संयुक्त उम्मीदवार बनने के बाद तो यह बिल्कुल साफ हो गया था कि जयंत सिन्हा को भाजपा बहुत दिनों तक सक्रिय राजनीति में नहीं रखेगी। एक सांसद के रूप में जयंत सिन्हा की जो भी उपलब्धि रही हो, पार्टी के लिए वह कभी भी एसेट नहीं रहे। क्या हो सकता है जयंत सिन्हा की इस पेशकश का कारण और क्या हो सकता है इसका असर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हजारीबाग के भाजपा सांसद जयंत सिन्हा का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने चुनावी राजनीति से अलग हटने की पेशकश का ऐलान किया। इससे थोड़ी देर पहले पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर का भी ट्वीट आया था। खास बात यह है कि दोनों के ट्वीट की भाषा से लेकर आग्रह तक समान था। दोनों के ट्वीट के संदेश के अंत में जय हिंद लिखा हुआ था। ऐसे में सियासी गलियारों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी यह चर्चा होने लगी कि आखिर इस सियासी दायित्व से मुक्ति वाले ट्वीट के मायने क्या हैं। लगातार 2 बार हजारीबाग से सांसद चुने गए जयंत सिन्हा ने लिखा, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। सिन्हा ने आगे लिखा, बेशक मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। उन्होंने लिखा कि मुझे पिछले 10 वर्षों से भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा मुझे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए कई अवसरों का भी आशीर्वाद मिला है। उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि जयंत सिन्हा के बारे में भाजपा की आंतरिक रिपोर्ट बहुत अनुकूल नहीं थी। पिछले 10 साल में जयंत सिन्हा द्वारा किए गए काम से स्थानीय नेता और कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि जयंत सिन्हा कभी आम लोगों से नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि पार्टी के छोटे कार्यकर्ता भी उन तक पहुँच नहीं पाते हैं। भाजपाइयों के अलावा आम लोगों की भी शिकायत थी कि जयंत सिन्हा खास हो गए हैं और कुछ लोगों से घिरे होते हैं। उनके इर्द गिर्द नवरत्नों का घेरा हो गया था। वही उनके कार्यक्रम तय करते थे और यह तय करते थे कि वह किससे मिलेंगे और किससे नहीं। यही नहीं, जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलने जाता था तो जयंत सिन्हा का व्यवहार उसके प्रति सहयोगात्मक नहीं रहता था। वह आवास में भी मंत्री की भूमिका में ही रहते थे, जन प्रतिनिधि की भूमिका से बिल्कुल अलग। अगर कोई उनसे मिलने गया हो और कुछ कह रहा हो तो जयंत सिन्हा उसको बैठने तक को नहीं कहते थे,
खड़े खड़े ही उसको अपनी बात रखनी होती थी। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2 सांसदों का टिकट काटा गया है। इन सीटों पर नए चेहरों को टिकट मिला है। 5 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर आई सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा को भी टिकट मिला है। उन्हें सिंहभूम से ही प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। राजमहल में जेएमएम और सिंहभूम से कांग्रेस जीती थी। भाजपा की पहली सूची में हजारीबाग से जयंत सिन्हा और लोहरदगा से सुदर्शन भगत को टिकट नहीं मिला है। जयंत सिन्हा की जगह विधायक मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं लोहरदगा से राज्यसभा सांसद समीर उरांव को टिकट दिया गया है। झारखंड लोकसभा की सूची आते ही जयंत सिन्हा ने ट्वीट किया, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपील की है, मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं भारत और दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। झारखंड की बात करें तो भाजपा ने लोकसभा को लेकर जो सूची जारी की है उसमें राजमहल सीट ताला मरांडी को, दुमका लोकसभा सीट सुनील सोरेन को, गोड्डा लोकसभा सीट निशिकांत दुबे को, कोडरमा अन्नपूर्णा देवी को, रांची संजय सेठ को, जमशेदपुर विद्युत वरण महतो को, सिंहभूम लोकसभा सीट गीता कोड़ा, खूंटी अर्जुन मुंडा, लोहरदगा समीर उरांव, पलामू बीडी राम और हजारीबाग मनीष जायसवाल। नवंबर 2017 में पैराडाइज पेपर्स में जयंत सिन्हा का नाम आया था। पैराडाइज पेपर्स ने उन फर्मों का खुलासा किया जो अमीर लोगों को कर चोरी करने में मदद करती है। हालांकि जयंत सिन्हा इन आरोपों से इनकार करते हैं। इन्फोसिस ने 2016 में उनकी पत्नी पुनीता कुमार सिन्हा को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। कोरोना के दौरान आम लोगों से दूर रहने और उन्हें छूने तक से परहेज करने का आरोप भी जयंत सिन्हा पर लगा। इसके अलावा हजारीबाग के भाजपा कार्यालय अटल भवन को अपने नाम करा लेने का आरोप भी इस परिवार और उसके समर्थकों पर लगा। भाजपा के भीतर भी जयंत सिन्हा कभी खुद को फिट नहीं कर सके। पार्टी के कार्यक्रमों से अलग रहने और केवल खास अवसरों पर ही मौजूद रहने के कारण उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा था। यही कारण है कि उनकी जगह अब मनीष जायसवाल को भाजपा ने टिकट दिया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।